डियर स्टूडेंट, एक क्लास फर्स्ट ईयर के प्रोच का फर्स्ट लेसन माय स्ट्रगल फॉर आयन एजुकेशन का पार्ट नंबर टू है इसके पार्ट वन में मैंने आपको इस लेसन का यहाँ तक हिंदी एक्सप्लेन समझा था जहाँ ए मार्क लगा है अब हम इस पार्ट में अगले स्टेंजा से पैरावाइज हमें हिंदी एक्सप्लेन समझेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ़ रिफ्रेश्ड तो द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई फाउंड मैंने पाया माई सेल्फ अपने आप को या स्वयं को सम वाट कुछ कुछ रिफ्रेश्ड तरोताज़ा एंड अगली सुबह मैंने अपने आप को कुछ कुछ तरोताज़ा पाया या स्फूर्तपूर्ण पाया बट आई वाज एक्सट्रीमली हंगरी बट आई वाज एक्सट्रीमली हंगरी लेकिन बट मीन्स लेकिन आई वाज मैं था एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्याधिक काफ़िया बहुत अधिक हंगरी मतलब भूखा लेकिन मैं बहुत अधिक भूखा था आइज सुन एच आज सून एच इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स तो आय सुन आएज ज्यों ज्यों ही या जैसे ही इट बिकेम लाइट एनफ काफ़ी प्रकाश हो गया लाइट एनफ काफ़ी प्रकाश बिकेम हो गया बिकेम के सेकेंड फॉर्म बिकेम तो ज्यों ही या जैसे ही काफ़ी प्रकाश हो गया फार्मी मेरे लिए टू सी देखने के लिए माई सराउंडिंग्स अपने आसपास की वस्तुओं को इसका मीन्स है कि ज्यों ही काफ़ी प्रकाश हो गया कि मैं अपने आसपास की वस्तुओं को सही से देख सकता था तो आई नोटिस्ड मैंने देखा दैट कि आई was नियर ए लार्ज शिप कि मैं एक बड़े जहाज के पास हूँ इट seemed ऐसा लग रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टू बी अनलोडिंग ए कार्गो of पिग आयरन अनलोडिंग अनलोडिंग मीन्स होता है उतारना एक कार्गो कार्गो का मतलब माल होता है यानी जहाज के द्वारा लाया जाने वाला माल आप पिग आयरन कच्चे लोहे का यानी ऐसा लग रहा था कि जहाज से कच्चे लोहे के माल को उतारा जा रहा हो उतारा जा रहा था तो आई वेंट एट वंस टू द वेजल वेजल मीन्स पात्र या बर्तन होता है बट यहाँ पात्र या पात्र का सेंस नहीं लेंगे बल्कि यहाँ वेजल का मींस लिया गया है जहाज से तो हम इसके मीन्स बोलेंगे जहाज़ तो आई वेंट एट वंस आई वेंट मैं गया एट वंस तत्काल या तुरंत टू तु द वेजल जहाज के पास मैं तुरंत जहाज के पास गया एंड आस्कड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेजल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड तो एंड आस्क द कैप्टन और जहाज के कप्तान से प्रार्थना किया विनती किया कि टू परमिट मी कि मुझे स्वीकृत प्रदान कर दे टू हेल्प अनलोड द वेजल यानी जहाज़ से उतारे उतारे उतारने में सहायता करने के लिए इन ऑर्डर टू के कारण या के लिए गेट मनी धन कमाने के लिए फार फूड भोजन के लिए यानी मैं तुरंत जहाज़ के पास गया और उस कप जहाज़ के कप्तान से प्रार्थना किया विनती किया कि मुझे भोजन के लिए धन कमाने के लिए उस जहाज़ से उतारे जा रहे या उतारने में सहायता करने के लिए मुझे स्वकृत प्रदान कर दे तो द कैप्टन द कैप्टन ए वाइट मैन हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड द कैप्टन जहाँ से कप्तान ए वाइट मैन जो एक गोरा आदमी था हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड जो बहुत दयालु लग रहा था कंसेंटेड जो मुझे स्वकृत प्रदान कर दी या मेरी बात से राज़ी हो गया I worked long enough to earn money for my breakfast. तो I worked मैंने कार्य किया long enough काफ़ी समय तक to earn money धन कमाने के लिए for my breakfast अपने नाश्ते के लिए breakfast सुबह का भी नाश्ता breakfast होता है यानी मैंने अपने सुबह के नाश्ते के लिए धन कमाने के लिए long enough काफ़ी समय काफ़ी समय तक कार्य किया एंड इट सेम्स टू मी और मुझे ऐसा प्रतीत होता है मुझे ऐसा लगता है एच जैसा कि आई रिमेंबर इट नाव आई रिमेंबर मुझे याद है इट नाव यह मतलब हुई नाश्ता नाव मतलब अब भी यानी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि मुझे अब भी याद है कि टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई येन टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट कि वह नाश्ता जो मैंने अपने जीवन में किए हुए सबसे अच्छे नाश्तों में से एक था अगला क्वेश्चन जहाँ माई वर्क प्लीज द कैप्टन शो बेल माई वर्क मेरे कार्य ने प्लीज प्रसन्न कर दिया खुश कर दिया द कैप्टन कप्तान को सो so बेल इतना अधिक यानी मेरे कार्य ने कप्तान को इतना अधिक खुश कर दिया इतना अधिक प्रसन्न कर दिया दैट ही टोल्ड मी कि उसने मुझसे कहा कि आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे कि आई कुड कंटिन्यू वर्किंग कि मैं लगातार कार्य कर सकता हूँ फॉर ए स्मॉल अमाउंट एक छोटी रकम के लिए पर डे प्रत्येक दिन या प्रतिदिन और मैं कि मेरे कार्य ने कप्तान को इतना अधिक प्रसन्न कर दिया कि उसने मुझसे कहा कि मैं प्रत्येक दिन छोटी सी रकम के लिए लगातार काम कर सकता हूँ दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू दिस दिस मतलब यह या या मतलब इस बात ने कौन सी बात ने कि उस कार्य पर का लगातार कार्य करने का जो मुझे स्वीकृत मिल गई थी इस कार्य ने मुझे बहुत अधिक खुश कर दिया प्रसन्न कर दिया आई कॉन्टीन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेजल फॉर ए नंबर ऑफ डेज आई कॉन्टीन्यूड मैं लगातार वर्किंग कार्य करता रहा कॉन्टीन्यूड वर्किंग लगातार कार्य करता रहा ऑन दिस वेजल इस जहाज़ पर फॉर ए नंबर ऑफ़ डेज नंबर ऑफ़ डेज काफ़ी दिनों तक या कई दिनों तक यानी मैं कई दिनों तक इस जहाज़ पर कार्य करता रहा कई दिनों तक लगातार कार्य करता रहा आफ्टर food फूड विथ माई इस्मॉलॉलॉल after आफ्टर बाइंग फूड विथ माई इस्माल dear दियर not much मच to पे My way to Hampton. तो आफ्टर बाइंग फूड भोजन ख़रीदने के बाद विथ my small वेज वेज का मतलब मजदूरी होता है माई इस्माल अपनी छोटी सी और वे मतलब वही मजदूरी के द्वारा कमाई गई रकम कहना मतलब है कि अपनी छोटी सी कमाई गई रकम से भोजन खरीदने के बाद या भोजन पर खर्च करने के बाद दियर वाज नाट मच लेफ्ट ज़्यादा अधिक नहीं छूटा था छोटा मतलब बचना का सेंस ज़्यादा अधिक नहीं बचा था टू पे माई वे टू हैम्पटन टू पे देने के लिए चुकाने के लिए माई वे अपने रास्ते का किराया टू तो हैम्पटन हैम्पटन तक कहने का मतलब है कि अपनी छोटी सी मजदूरी से कमाया हुआ धन को उस भोजन पर खर्च करने के बाद मेरे पास हेम्पटन तक जाने के लिए उसका किराया देने के लिए ज़्यादा अधिक नहीं बचा था इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल इन ऑर्डर टू के लिए इकोनोमाइज इकोनोमाइज़ का मतलब होता है बचत करना इन एवरी वे पॉसिबल इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से पॉसिबल संभावित यानी प्रत्येक संभावित तरीके से उस धन को बचाने के लिए आई कंटिन्यूड टू स्लीप मैं लगातार सोता रहा अंडर द साइड वॉक उस सड़क के किनारे फुटपाथ पर तो वैन आई हैड सेव्ड एनफ मनी विद विच टू रीच हैम्पटन आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेजल फॉर हिज काइंडनेस एंड स्टार्टेड अगैन तो वेन जब आई हैड सेव्ड मैंने बचा लिया था या मैंने सेव कर लिया था इनफ मनी काफ़ी धन विद विच जिससे टू रीच हैम्पटन जिससे हैम्पटन पहुंच सकें कहने का तो मतलब है कि जब मैंने हैम्पटन तक पहुंचने के लिए काफ़ी अधिक धन बचा लिया था सेव कर लिया था तो आई थैंक्ड मैंने धन्यवाद दिया कैप्टन ऑफ द वेजल उस जहाज़ के कप्तान को तब मैंने उस जहाज़ के कप्तान को धन्यवाद दिया फार हिज काइंडनेस उसके दयालुता के लिए उसके दया भाव के लिए एंड स्टार्टेड अगैन और अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ कर दिया पुनः उस स्कूल के लिए हैम्पटन के लिए चल दिया जो विथआउट एनी अनएजुलूरेंस आई रीच्ड हैम्पटन तो विथआउट एनी अन एजुअल विदाउट के बिना एनी किसी या कोई अनएजुअल अनएजुअल का मतलब होता है असाधारण अकूरेंस अकूरेंस का मतलब होता है घटना यानी बिना किसी असाधारण घटना के ही आई reached Hampton, मैं हैम्पटन पहुंच गया जो with विथ ए सर्पल्स ऑफ एक्जैक्टली फिफ्टी सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन surplus, सर्पल्स सर्पल exactly surplus, surplus अधिकता होता है ऑफ़ exactly एक्जैक्टली exactly मतलब निश्चित और फिफ्टी सेंट फिफ्टी सेंट हुई पचास सेंट विध हुई जिससे टू बिगिन शुरू करने के लिए माई एजुकेशन अपनी शिक्षा को इसका मीन्स है कि बिना किसी असाधारण घटना के मैं हैम्पटन पहुंच गया और अपनी शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए मेरे पास पचास सेंट निश्चित रूप से ये पचास सेंट की रकम बची हुई थी द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज थ्री स्टोरी ब्रीक स्कूल बिल्डिंग सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरग्रॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस तो द फर्स्ट साइट प्रथम दृश्य ऑफ द लार्ज उस बड़ी थ्री स्टोरी तीन मंजिल की ब्रीक स्कूल बिल्डिंग ईटों से बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग ने सीम्ड प्रतीत हो रही थी टू रिवार्डेड पुरस्कृत करते हुए या पुरस्कार देते हुए मी मुझे फॉर ऑल उन सभी के लिए या उन सभी चीज़ों के लिए दैट आई हैड अंडर जिनको मैंने अंडर गाउन कष्ट सहना जिनको मैंने कष्ट सहा था या कष्ट झेला था कष्ट उठाया था इन आर्डर टू रीच पहुँचने के लिए प्लेस उस स्थान पर इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा तो उस स्कूल की ईंटों से बनी हुई तीन मंजिल की एक बड़ी सी बिल्डिंग का प्रथम दृश्य मुझे जो मैंने उस स्थान तक पहुँचने के लिए कष्ट उठाए थे कठिनाई झेली थी उन सभी के लिए मुझे पुरस्कार देते हुए प्रतीत हो रही थी कहने मतलब यहाँ पर ये है कि ज्यों ही मैं उस स्कूल में पहुंचा तो उसकी बड़ी सी भवन बड़ी सी इमारत को देख करके मैं अपने सारे दुख कष्ट को भूल गया द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी ए न्यू लाइफ द साइट दृश्य ऑफ इट इसका इट मतलब स्कूल का यानी इस स्कूल का दृश्य सीम्ड प्रतीत हो रहा था लग रहा था टू गिव मी कि मुझे दे रहा है ए न्यू लाइफ एक नया जीवन यानी उसका दृश्य मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि मुझे नया जीवन प्रदान कर रहा हो अगला क्वेश्चन है एज सोन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट आई प्रजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास तो एज सोन एज पॉसिबल एज सोन उतनी जल्दी एज पॉसिबल जितना संभव था या जितना संभावित हो सका या, या इसे इसको आप आज सुन आइज पॉसिबल को एक चीज़ में कह सकते हैं यथाशीघ्र आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड आफ्टर रीचिंग पहुंचने के बाद द ग्राउंड्स प्रांगण में ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट यानी हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद आई प्रजेंटेड मैंने प्रजेंट किया उपस्थित किया अब यहाँ देखिए भैया यहाँ आय सुन आय पॉसिबल का सेंस ऑफ यथाशीघ्र ले लीजिए इसको आपको यहाँ जोड़ना है आई के बाद में तो यहाँ से ले लीजिए कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुँचने के बाद आई प्रजेंटेड माई सेल्फ आई मैं और आय सुन आय पॉसिबल यथाशीघ्र प्रजेंटेड उपस्थित किया माई सेल्फ स्वयं को अपने आप को बिफोर द हेड टीचर बिफोर मतलब के सामने द हेड टीचर मुख्य अध्यापिका के सामने फॉर असाइनमेंट असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट का मतलब होता है आवंटन या सौंपा हुआ कार्य आवंटन कहिए आप टू ए क्लास क्लास में यानी हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुँचने के बाद मैंने यथाशीघ्र अपने आप को कुछ कक्षा के आवंटन के लिए मुख्य अध्यापिका के सामने उपस्थित किया प्रेजेंट किया तो हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड तो हैविंग बीन रहा था सो so लॉन्ग लंबे समय से विदाउट प्रॉपर फूड विदाउट के बिना प्रॉपर फूड उचित भोजन के बिना यानी काफ़ी समय से मैं बिना उचित भोजन किए हुए रहा था एवेद और बिना स्नान किए हुए रहा था एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग और बिने बिना कपड़ों को चेंज किए हुए था कहना मतलब ये है कि मैंने काफ़ी समय से ना तो उचित भोजन किया था ना तो स्नान किया था वेथिंग किया था और ना ही कपड़ों को चेंज किया था इसलिए आई डिड नाट ऑफकोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपान हर इसलिए ऑफकोर्स वास्तव में आई डिड नाट मेक ए वेरी आई डिड नाट मेक मैं नहीं कर सका ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन ए मतलब एक वेरी बहुत फेवरेबल फेवरेबल होता है अनुकूल इम्प्रेशन प्रभाव अपान हर उस पर कहने का मतलब यहाँ पर ए है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब तो मैं बहुत लंबे समय से ना तो उचित भोजन किया था ना तो स्नान किया था और ना ही अपने कपड़ों को बदला था तो इस तरीके इस हालत में था तो वास्तव में मैंने उस अध्यापका के ऊपर अपने एक अच्छे अनुकूल प्रभाव को नहीं डाल सका था या अपना प्रभाव उस अध्यापका पर नहीं कर पाया था तो आई कुड सी एट वंस आई कुड सी एट वंस आई कुड सी मैं देख सका एट वंस तुरंत या तत्काल यानी मैंने तुरंत देख सका या मैंने तुरंत देखा दैट की देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज स्टूडेंट क्या देखा कि दियर वर डाउट कि संदेह है संदेह है इन हर माइंड उसके दिमाग में उसके मन में अबाउट द विजडम बुद्धिमत्ता पर ऑफ एडमिटिंग प्रवेश देने की मी मुझे एज ए स्टूडेंट एक छात्र के रूप में यानी मैंने तुरंत देखा कि मुझे एक छात्र के रूप में प्रवेश देने की बुद्धिमत्ता में उसके मन में संदेह है फॉर समाइम कुछ समय के लिए सी डिड नाट रिफ्यूज टू एडमिट मी यानी कुछ समय के लिए सी डिड नाट रिफ्यूज उसने मना नहीं किया टू एडमिट मी मुझे प्रवेश देने से यानी कुछ समय के लिए ना तो उसने मुझे एडमिट करने से मना कर पाया मना मना कर सकी और ना इधर डिड ही डिसाइड इन माई फेवर और ना इधर और ना ही डेढ़ सी डिसाइड और ना ही उसने निर्णय किया निश्चय किया इन माई फेवर मेरे पक्ष में कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए ना तो उसने मुझे एडमिट करने से मना कर सकी और ना ही मेरे पक्ष में कुछ डिसाइड किया तो आई कंटिन्यूड टू लिंगर अबाउट हर आई कंटिन्यूड टू लिंगर आई कंटिन्यूड लगातार टू लिंगर लिंगर का मतलब होता है ठहरे रहना या रुका रहना तो आई कंटिन्यू टू लिंगर मैं ठहरा रहा रुका रहा अबाउट हर उसके पास यानी मैं उसी के आसपास ही ठहरा रहा लगातार रुका रहा ठहरा रहा एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस एंड और टू इम्प्रेस और प्रभावित करता रहा हर उसे इन ऑल द वेज पूरे तरीकों से आई कुड विद माई वर्दिनेस इतनी मेरे अंदर योग्यता थी कहने मतलब ये है कि और अपने योग्यता के अनुसार अपने पूरे तरीके से उसको प्रभावित करने का प्रयास करता रहा इन द मेन टाइम और इसी समय के बीच आयशा मैंने देखा हर उसे एडमिटिंग प्रवेश दे रही थी प्रवेश कर रही थी अदर स्टूडेंट अन्य छात्रों को क्या मतलब इसी बीच मैंने देखा कि वह अन्य छात्रों को प्रवेश दे रही है तो एंड दैट और उसने उसने मतलब जो कर रही थी अन्य छात्रों को प्रवेश दे रही थी उस चीज़ ने एडेड बढ़ा दिया ग्रेटली बहुत अधिक या बड़ा टू माई डिस्कम्फर्ट मेरी बेचैनी को कहने मतलब ऐसी बीच जो मैंने देखा कि वो अन्य छात्रों को प्रवेश दे रही है तो इस चीज़ ने मेरी बेचैनी को और अधिक बढ़ा दिया तो आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ या, मुझे लगा डीप डाउन इन माई हार्ट कहने मतलब ये है कि मैंने अपने विचार किया मैंने अपने दिल से विचार किया मेरे मन में विचार आया यहाँ इन माई हर्ट क्या मतलब यहाँ आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हर्ट इसका मीन है कि मैंने मेरे मन में विचार आया मेरे दिल में एक विचार आया दैट कि आई कुड डू एज़ वेल एज़ दे दैट क्या विचार है मेरे मन में क्या विचार आया क्या फील हुआ कि आई कुड डू कि मैं कर सकता हूँ एज वेल उतना अच्छा एज दे जितना वह करते हैं अन्य छात्र करते हैं और कब कर सकता हूँ इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो हॉट वाज इन मी इफ यदि आई कुड ओनली गेट आई कुड गेट मैं पा सकूँ ओनली सिर्फ ए चांस एक अवसर टू शो प्रदर्शित करने के लिए वाट वाज इन मी जो कुछ मेरे अंदर था कहने मतलब ये है तो आप फिर से देख लीजिए यहाँ से आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हर्ट यहाँ आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हर्ट इसका पूरे का मीन है कि मेरे दिल में या मेरे एक मन में एक विचार आया मेरे अंदर एक विचार आया फीलिंग आई कि यदि यहाँ से पीछे अर्थ लेना सभी लोग तो यदि यदि मुझे जो कुछ मेरे अंदर है जो कुछ मेरे अंदर योग्यता है उसको शो करने के लिए सिर्फ़ एक अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं उतना ही अच्छा कार्य कर सकता हूँ जितना कि वह करते हैं यानी अन्य छात्र करते हैं तो ए स्टूडेंट यहाँ तक ही रहेगा